नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि आज बेटियां शिक्षा व अन्य किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। हरियाणा की बेटियों के दम पर ही देश को मिलने वाले ओलंपिक के 50% मेडल हरियाणा को मिलते रहे हैं। यह बात उन्होंने भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में 50 लाख रुपये की लागत से बनकर तैयार हो चुके जिम के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। बिजली मंत्री ओपन जिम के उद्घाटन अवसर पर खुद जिम में शारीरिक एक्सरसाइज करके बताया कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए शारीरिक गतिविधियां करना जरूरी है। भिवानी जिला खिलाड़ियों का गढ़ है। यहां की बेटियां गीता बबीता ने पहलवानी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर उन्होंने बेटियों पर नाच कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए खेल व शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाली भिवानी जिले की 24 बेटियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा कहा कि भारत की बेटियां कल्पना चावला, मानुषी छिल्लर, किरण बेदी ने देश में अपना नाम कमाया है। बेटियों को समाज में आगे बढ़ाते हुए समाज की सही तरीके से तरक्की की जा सकती है। बिजली मंत्री ने बिजली भिवानी में निजीकरण किए जाने के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि यदि हमें आज आगे बढ़ना है तो काम करना पड़ेगा। प्रीपेड मीटर लगाने की परियोजना के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ कानूनी अड़चनों के चलते अभी प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य में ठहराव किया गया है। इस पर पूर्ण मंथन करके इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। बिजली बिलों के टैरिफ के मुद्दों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि घरेलू बिजली बिल 2 माह में आता है, परंतु बिजली यूनिटों के स्लेब अनुसार ही बिल भेजा जाता है, जिसमें 2 महीने का इकट्ठा बिल होने के कारण उच्च बिजली टैरिफ बिल स्लेब के हिसाब से नहीं लगाया जाता। विपक्ष द्वारा भाजपा की जोड़ तोड़ की सरकार होने के सवाल पर रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा के अलावा 7 निर्दलीय, 10 जजपा वे किनालो को मिलाकर 58 विधायक बनते हैं, जो बहुमत से काफी ज्यादा हैं, जिसमें सरकार को कोई खतरा नहीं है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। देखिए, हमारे बच्चियाँ पहले भी बहुत आगे गई हैं इस मामले में, और भिवानी का तो बहुत नंबर है। देखिए, गीता फोगाट और वो उसकी सिस्टर दूसरी बबीता फोगाट, और उसके बाद जो विजेंद्र सिंह है, बहुत अच्छा नाम करा है उन्होंने बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, हर जगह हरियाणा एक नंबर पे आ रहा है। ओलंपिक गेम्स में ही हम 50% मेडल अकेला हरियाणा जीत के आ रहे हैं। तो जिम वगैरह बनेंगे तो फिजिकली फिटनेस के लिए मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया, एक थोड़े एरिया में सबसे बढ़िया एक अनुभव है जो लोग कर रहे हैं और सीख रहे हैं। सर, आज जो है लड़कियों को आगे बढ़ाने को लेकर जिस बैठा है बेटी बचाओ को लेकर, उस बारे में कहते हैं। देखिए, इसमें आप कितने ले लो, एक ने अनगिनत नाम है। दोनों यहाँ की लड़कियाँ, कल्पना चावला है, मेरी कॉम है, और इसके बाद किरण बेदी का बहुत बड़ा नाम है, मैगैसे अवार्डिड है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बच्चे हमारे, मानुषी छिल्लर है, मिस वर्ल्ड रही है, तो हरियाणा की बेटियाँ तो बहुत नाम कमाया है इन्होंने, और मेरे ख्याल में बहुत इन्हें सम्मानित करें। दैनिक जागरण बहुत बड़ा ग्रुप आज करने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी परंपरा है जिसे लोग आगे निभाएं। सर, आपके डिपार्टमेंट की बात की जाए तो 7 SDO को सस्पेंड कर दिया गया, वो पेपर नहीं होता, इसलिए वो विरोध में आ रहे हैं आजकल। देखिए सर, वो क्या करें, ये उनका सब्जेक्ट है, पर यहाँ तो काम के लिए सब रखे जाते हैं ना, जो काम नहीं करेगा वो उसको तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। सब क्राइटेरिया यही है कि आप जिस जो काम आपको दिया जाए वो परफॉर्म करें डिलीवरी रेट पे। मेरी कोई पुरानी सर्विस नहीं है, बहुत पहले रहा हूँ, पर अब आते ही मैंने मेरी मिनिस्ट्री में दब के खींच के काम कर रहा हूँ। करना चाहिए आपको, जो दिया जा रहा है उस करना चाहिए। सर, बिजली बिल एक आम आदमी से जुड़ा मामला है, बिजली के बिल आमतौर पर 2 महीने में आते हैं, जबकि टैरिफ जो होता है वो 200 का, 400 का, 800 के। नहीं नहीं, उसमें वो माइनस करके दिया जाता है, जो लोगों को इम्प्रेशन है ना कि 200 के बाद बढ़ाया जा रहा है, वो इसमें नहीं, इसमें वो काट के दिया जा रहा है। सर, इसको मंथली भी बिलिंग की प्रोसेस बता रहे थे, है पहले भी एक बार सरकार ने 1 महीने का करा था, फिर उसके बाद लोगों का इस मामले में विरोध हुआ, फिर दोबारा 2 महीने के लिए आए। अब भी कई जगह ओपिनियन यही आ रहा है कि 1 महीने करें, ज़्यादा जगह 2 महीने का कह रहे हैं। मैं भी इसमें कोई निर्णय लेने से पहले ये सोच रहा हूँ कि कोई निर्णय ले लें तो फिर उस पर स्टैंड करना चाहिए, बार बार बदलना भी ठीक नहीं। तो मैं इस पर एक एक्सरसाइज हो रही है कि 2 महीने रखें या 1 महीना रखें। सर, प्रीपेड कार्ड की तरफ वो प्रोसेस ढीला चल रहा है, उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन हैं। वो ये है कि एक मकान है, उस पर 3 मकान बने हुए हैं,
ऊपर टेनेंट्स रह रहे हैं, कल को मकान मालिक पे सारा वो जा जाता है, टेनेंट तो छोड़ के चला जाता है, फिर जब कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं तो ऐसे करके इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। हम इस पर रुक गए हैं, ज़रा सोच के करना चाह रहे हैं। सर, गठबंधन सरकार को पार्टियों की बीजेपी उसमें भी हंगामा मचा हुआ है, जो बीजेपी है उसमें भी हमें लीड और वो डिपार्टमेंट को लेकर काम चल रही है, विपक्ष कह रहे हैं कि ऐसा गठबंधन चल नहीं पा रहा है। नहीं देखिए, विपक्ष तो जिस दिन बने थे उसी दिन ये कहने लग गए थे। मैं नहीं समझता कि कहीं कोई दिक्कत है, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ आपस में विचारधारा ये वो चलता रहता है, पर मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई फर्क नहीं है। सरकार चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखिए 10 वो भी हैं, उसके अलावा 7 हम हैं, उसके अलावा भी अवे भी है, ये हमारी 58 संख्या है, जो पहले पिछली बार 47 है उससे ज़्यादा है 11 नंबर, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। रामकुमार गौतम ने जो देखिए ये उनका है, आप उनसे सवाल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मेरा उनके सब्जेक्ट पे कुछ कहना ठीक नहीं बनता। धन्यवाद।